கன்னியாகுமரி ஜா ரஹா ஹூ. பைக்ல ஸ்வாமி விவேகானந்த கா ஜன்மதின் தா 12 ஜனவரி. ஸ்வாமி விவேகானந்தா உன்கா ஜன்மதின் கோ ஹமாரா பாரத சர்க்கார் ஜாத்திய யுவா திவஸ் மனாதே ஹே. அவருடைய பிறந்த நாளே நம்ம எல்லாமே ஆல் இந்தியால நல்லா 12 ஜனவரிக்கெல்லாம் கொண்டாடுறோமா இல்லையா? बचपन में स्वामी विवेकानंद बहुत ही होशियार थे और उनके पिताजी उनको घुड़सवारी, पानी तैरना, संगीत विद्या, कुश्ती कसरत ये सब सिखाते थे. विवेकानंद சின்ன பிள்ளைல நல்லா ரொம்ப புத்திசாலி இருந்தாராம். சரிடா அவங்க அப்பா எல்லா குதிரையில சவாரி பண்றது எல்லா எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாராம். और जब वो बड़े हुए स्कूल गए उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त हुआ. और तेरी आल आज नाड़ी और पैर है ना आज तेरी माँ नरेंद्रनाथ दत्ता ना दे नरेंद्रनाथ दत्ता इसका उनका पैर इन्हों पैर से नरेंद्रनाथ दत्ता उनके उनके गुरुजी के नाम था रामकृष्ण परमहंस. अबर यार तब अबर उड़े गुरु ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச ஜப் ஓ நரேந்திர மிலே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச சே சோ உஸ்னே பூச்சா ஆப்னே ஈஸ்வர் கோ தேகே ஹே க்யா? விவேகானந்தா அவர்ட்ட மீட் பண்ணும் போது அவர்டோட குருட்ட என்ன கேட்டாரு, நீங்க கடவுள் பாத்தீங்களா அப்படிங்கிட்டு கேட்டாரு. ओ, उत्तर में रामकृष्ण परमहंस बोले हाँ मैंने देखा है. अबर सुना रहा आमा नाम कड़ल बात रखे तुमको जैसा अभी देख रहा हूँ उससे और अच्छे तरह से मैंने ईश्वर को देखा है. अबर सुना रहा उंगल को पास ही जिसका मुंडे अदा उड़े कड़ल ने ना नहीं लावे बात रखे. हाँ जैसे एक मछली को बाहर निकालने से वो पानी में जाने के लिए जैसा तड़पता है उसी तरह अगर हम भगवान के लिए तड़पेंगे तो भगवान हमको दर्शन देंगे. इस तरह विवेक नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के पास आकर के बहुत आध्यात्मिक चीज सीखे. அவருடைய குருட்டை எல்லாமே நல்ல நல்ல பரபரன எல்லாமே நல்ல நல்ல பரபரன பழகினாரு யார் விவேகானந்தா அவருடைய குருட்டை. फिर रामकृष्ण परमहंस का देहांत हो गया. அதுக்கப்புறம் அவருடைய குரு இறந்து போயிட்டாரு. और ये भारत परिभ्रमण के लिए निकले. அப்புறம் இந்த விவேகானந்தா இன்னமாரி எல்லா ஆள் இங்க திருப்பி பழகிட்டாரு. சன்னியாசி होकर के उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा. சன்னியாசி நான் தெரியுமா? அவர் சன்னியாசி ஆயிட்டாரு. சன்னியாசி ஆயிட்டு எல்லா ஆல் இந்தியா சுத்திட்டு இருந்தாரு. ஜப் ஓ காசி பனாரஸ் गए तो उस समय मंदिर से दर्शन करके जब वापस आ रहे थे तो बंदरों ने उनको दौड़ाया. அவர் காசி பனாரஸ் போய் டூருக்கு போனாரு. அப்பா குரங்கு இருக்குல்ல குரங்கலாம் அவருக்கு ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க சுத்தி நின்னுட்டு சரியா. हां तो ये भी डर के मारे दौड़े. तो एक बूढ़े सन्यासी थे वो बोले कि दौड़ो मत वहाँ रुक जाओ और बंदरों के तरफ तुम मुंह करो. तो विवेकानंद जब वहाँ ठहर रह गए और बंदरों के तरफ मुंह किया देखे कि वो बंदरों भी दौड़ाना बंद कर दिए. அவர் திரும்பி பார்த்தோன்னா அப்படி சொல்லு கேட்டுட்டு அப்படி நின்றோன்னா அந்த குரங்கு அவருக்கு பின்னாடி ஓடுறது நிப்பாட்டிட்டு அப்படி நின்றுச்சு. இசி சே விவேகானந்த் கோ எக் சிக்ஷா மிலா கி விபத் சே யா சமஸ்யா சே டர் கர்கே பாக்னா நஹி டட் கர்கே சாம்னா கர்னா ஹை.
और घूमते घूमते वो परिशेष में कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर खुद तैर करके जा करके वहाँ 3 दिन और 3 रात वो ध्यान किए। समुद्र में वो पथरीला जगह जो मंदिर है, पत्थर में बोलिए तमिल में। नहीं, कन्याकुमारी में है ना। हाँ बोलिए। थ्री डेज एंड थ्री नाइट्स भारत माँ के ऊपर वो ध्यान किए। भारत माता, हाँ भारत माता के ऊपर, भारत माता देवी माँ। और उसने ये निर्णय लिया कि मैं देश माँ की सेवा करूँगा। और फिर वो वापिस आए और देखे कि उस समय पता चला कि चिकागो में धर्म महासभा हो रहा है। चिकागो